अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 को शुभारंभ करने माननीय उपराष्ट्रपति जी उपस्थित रहेंगे। पहले कार्यक्रम जो रहेगा हमारा यूनिवर्सिटी में रहेगा, जो सेमिनार है हमारा 8वां सेमिनार है इस बारी। सेमिनार के बाद वो आएंगे पुरुषोत्तमपुरा बाग, वहाँ पर पहले असम पवेलियन, फिर हरियाणा पवेलियन, और जो हमारी स्टेट एग्जीबिशन लगाता है DIPR डिपार्टमेंट, उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी और आरती में भी वो शामिल रहेंगे। तो ये मेन मेन कार्यक्रम रहेंगे माननीय उपराष्ट्रपति जी के। तो कितने बजे पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सब? 3 बजे वो यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही लैंड करेंगे और उसके बाद सेमिनार रहेगा 5 बजे तक। उसके बाद ब्रह्म सरोवर का कार्यक्रम है तकरीबन 45 मिनट का। तो आरती और फिर जी होंगे आरती। तैयारियां पूरी कर ली है महामहिम? जी जी, एक रिहर्सल कल हुआ था, आज बिल्कुल जो एग्जैक्ट टाइम पे रिहर्सल फिर होगा कारकेड के साथ, बिल्कुल जो प्रॉपर रिहर्सल है, सबकी ड्यूटीज लग गई हैं और वो अपने अपनी ड्यूटी स्थान पे ही रहेंगे। उनके साथ साथ कौन कौन आएंगे? साथ साथ का उनका जो उनके स्पाउस हैं वो आएंगे मैडम, और माननीय राष्ट्रपति, उनका जो पूरा स्टाफ है तकरीबन 25 से 30 लोग का वो रहेगा। लोगों को खास क्या रहेगा संदेश कल, क्योंकि क्राउड भी हो सकता है, कोई रूट डाइवर्ट वगैरह? वो पुलिस डिपार्टमेंट ने व्यवस्था कर रखी है और अनाउंस भी किया है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की हुई है, तो कोशिश रहेगी कि किसी को परेशानी ना हो। रिहर्सल्स हो, अलग अलग ड्यूटीज बटी हुई हैं, नाके लगे हुए हैं, तो यातायात के संबंध सिक्योरिटी में भी किसी भी तरह श्रद्धालुओं को मेन फोकस ये है कि जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको किसी तरह इस सारे प्रकरण में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री कल होंगे साथ में और हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी साथ में होंगे, हमारे पार्टनर स्टेट के कल्चर मिनिस्टर वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से श्री सुधांशु त्रिवेदी जी MP साहब वो भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे आ रहे हैं। तो गीता ज्ञान संस्थानों में भी जाएंगे ना? हाँ, इसके बाद यहाँ के बाद फिर गीता ज्ञान संस्थान में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर अब की बार पहली बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UOM सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से हरियाणा पैवेलियन की स्थापना की गई है और इसमें 80 से ज़्यादा शिल्पकार हरियाणा की हस्तकला को दिखाएंगे। माननीय कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने बहुत प्रयास किया है कि हरियाणा की हस्तकला को यहाँ पर अच्छे तरीके से इस मेले में दिखाया जाए, और इसमें हरियाणा के अलग अलग जो आपकी मेवाती संस्कृति है, खादर, बांगरू, सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इसके साथ ही यहाँ पर पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ, विशेष रूप से हमने जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा हरियाणा के जो कुजीन है, चाहे उसमें खीर है, लापसी है, हलवा है और आपका जलेबी है, वो सारी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही एक खुले मंच की स्थापना भी की गई है जिस पर सुबह से लेकर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के लोक रंग देखने को मिलेंगे, हरियाणा के नृत्य, रागनियाँ, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 17 से 24 तक हरियाणा के देसी ठाठ यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। देशा में देश हरियाणा जी, तो दूध दही का खाना, और गीता जयंती में हरियाणा पैवेलियन में जरूर आना, देशा में देश हरियाणा। इंतजार हो रहा है उपराष्ट्रपति के पहुंचने? बिल्कुल, माननीय उपराष्ट्रपति जी इसको कल जो है दोपहर बाद इसका उद्घाटन करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे, वो भी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसलिए हमने संस्कृति को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। युवा बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और सेल्फी के हमने 10 से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें मतलब जो युवाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असम के कल्चर के सारे शोकेस हमने करके रखे हैं, जैसे पकड़ लीजिए आपका कामेखा मंदिर से लेकर असम में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का क्षत्रिय संस्कृति, उसके साथ आपका महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के असम कनेक्शन जो भगत थे उसका भी शोकेस किए गए, साथ ही साथ असम में जो आर्ट कल्चर वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे, और इसके साथ आपका असम के जो लोकल फूड है, फूड का यहाँ पे काउंटर लग रहे हैं, वहाँ पे सेल और लाइव सारे दिखाए जाएंगे, और यहाँ पे क्राफ्ट स्टॉल लग रहे हैं और बाकी यही सब। असम पहली बार असम स्टेट को स्टेट पार्टनर बनाया है इंटरनेशनल गीता महोत्सव में। जी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, असम के लोक संस्कृति को जानना चाहिए, बहुत बहुत चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए। अभी जो हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये तो सारे खाली 60% ही हो गए, और भी बहुत सारे असम में आने से सबको पता चलेंगे लोगों को।
असम की संस्कृति देखने को मिलेगी। हाँ ऑब्वियसली असम का बिहू डांस, सत्रिया डांस और असम में जो लोक नृत्य होते हैं वो सारे यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे मंच पे। असम से कौन साहब आ रहे हैं यहाँ पे? मुख्यमंत्री साहब तो नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री साहब तो शायद नहीं आ रहे, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम लोगों का जो कल्चरल मिनिस्टर बिमल बोरा साहब है वो जरूर पधारे यहाँ पे। तो मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा लोगों के लिए असम का ऐसा कोई? यहाँ पे तो सारे मुख्य आकर्षण ही है, अभी हम लोगों ने इतने अच्छे से सजा के रखे हैं तो सब ऐसे ऐसे जो चुन चुन के हम लोग निकाल कर रखे कि यहाँ के लोगों को ये दिखाना है। तो असम में हम लोग का जैसे आपका ये गेट, पहला वाला गेट जो बन गया है ये आपका असम कामाख्या मंदिर के गेट के थीम में बने हैं, और दूसरे वाले गेट हो गया असम के नामघर के गेट के थीम में बने हैं। स्टेज जो बने हैं वो महापुरुष श्रीमद शंकर जी के प्रतिष्ठा के हुए नाम की झलक, नामघर की झलक स्टेज भी दिखाई देंगे। और बाकी एग्जीबिशंस में तो पूरा असम का एक स्टोरी क्लियर है, जिसमें लाशित बरफुकन से लेके भगदत्त जो वॉरियर थे कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बुजुर्ग वॉरियर थे, तो उसका भी पेंटिंग्स हम लोग यहाँ पे लगा करके। शुभ नाम डेजिनेशन? मेरा नाम नीलम दास है, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ यहाँ पे।